खबर है लखनऊ से। गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर शाम मंगलवार उस वक्त हड़कंप मच गया जब पॉलिटेक्निक चौराहे पर बने फ्लाईओवर से एक छात्रा नीचे गिर गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी। आनंद फानंद में छात्रा को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। छात्रा के पास मिले आईडी कार्ड से पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे छात्रा स्कूली यूनिफॉर्म में पैदल पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर चढ़कर सड़क पार करने जा रही थी। इसी बीच उसके साथ एक हादसा हो गया और फ्लाईओवर से सड़क पर गिर पड़ी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना उस वक्त हुई जब चौराहे पर बेहद भीड़ थी। छात्रा के गिरने की बात सुनकर लोगों की भीड़ जुटने लगी। तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में गाजीपुर कोतवाली प्रभारी मनोज मिश्र ने बताया है कि छात्रा के पास मिले आई कार्ड से उसकी पहचान की गई है। वह सफदरगंज थाना क्षेत्र की बीबीगंज की रहने वाली है। उसका नाम रितिका साहू है। वह गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है। PI राकेश पटेल ने बताया है कि लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के लिए पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर लिया है।